दा एक किलो दाल एक गिलास पानी दा दो गिलास दाल पीवे दूगो बजे दा कोई मसला ना कोई धोखा ना कोई फरार असन गरीबन एक किलो जांदे पीछे पीछे हो जाती यो लगतों को आते हैं उनको दो दो चार चार किलो दे दे। मैं हूँ अरियन के चौधरी। माह सयाम आता है, माह रमजान आता है, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि अब रमजान बाजार सजेंगे और इन रमजान बाजार के अंदर अशिया खुर्दनोश सस्ते दामों पर होंगी। यहाँ हर चीज सस्ती मिलेगी माह सयाम में। यहाँ रोजादारों के लिए बड़ी सहूलियात होगी, लेकिन क्या वहाँ की सहूलियात है, क्या यहाँ लोगों के लिए आसानियाँ हैं, क्या चीजें सस्ती बिक रही है, क्या जिन चीजों के लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया था वाकई उनको ऐसा मिल रहा है। आइए आपको ले चलते हैं लोगों की तरफ, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हकीकत है और क्या नहीं। इमरान खान की कोई मदद दे ना ऐसे दूर दी मदद दे ये भर्ती जा रही है फिर कह रहा रमजान बाजार के अंदर की सस्ती है सारी का शाखा आज सस्ती है दूध नहीं तो 60 रुपए की इसका लगाना मेरा 70 रुपए है खरबूजा खान के तो जीजे की तो 90 रुपए में आके सस्ती हाल है के शाह कुछ नहीं है वो तो हमारा लगाई से नहीं के मगर चीनी यहां सर ये 20 सस्ता है यहां दाल का शाखा का शाखा आज सस्ती का जी सर जी इमरान खान सा वजीर आजम जींदा बच्चे ना आज असा बार बजे आपका एक नहीं रहा हकीकत असा एक भी नहीं रहा चंगे बल्ले बजे आ दे हां अजय चंगे बल्ले बजे आ दे आ दे जे करुणा आगे दे करुणा हे खोज पाली नहीं रहमाचो आज पाई रख ये जे ने बंदा चले ही गदी साधु करुणा हे ही कोई तो सब कह रहे हैं डॉक्टर्स कह रहे हैं सब कह रहे हैं कि कोरोना है डॉक्टर भैर यार है फोन वाले ज्यादा होते हैं फोन से बात कर रहे हैं लेडियां खलोती हुई आने पीछे पीछे लाइन वाले मुंह लग जाए बंदे दे रहे हैं उसको मिलती है दो किलो आपको पाँच किलो आपको दस किलो आपको मिलता है असन गरीबन एक किलो जाने पीछे पीछे हो जाओ जी पीछे पीछे हो जाओ चीनी नहीं ये गल कर क्या कर ले उनको दो दो चार चार किलो मौके तो फदा ही क्यों गलत बयान मैं तेन मौके तो हूँ फदा तो आपने भी चीनी यहाँ बिकते हुए देखी ज्यादा तीन किलो चार किलो देखिए बाजार के अंदर बाहर की मार्केट के अंदर गोश्त क्या मतलब फर्क रमजान बाजार का रेट 30 रुपये है आम बाजार का रेट 50 रुपये है।
यानी आप 10 रुपए कम यहाँ प्रोफ कर रहे हैं, तो यहाँ कितनी आपकी सेल होती है, ज़्यादा होती है आम बाजार के ऊपर, कम होती है क्या? कम हो रही है। वजह क्या है, कम क्यों हो रही है? कोरोना की वजह तो वो तो मार्केट पे भी असर करती होगी, वहाँ भी कम होती होगी बाहर। यहाँ लोग यहाँ रश ज़्यादा होता है, आप इकट्ठे यहाँ होते हैं, इसलिए लोग कम आते हैं कोरोना की वजह से, उसकी वजह से बिजनेस आ रहा है। वालेकुम सलाम। तो आपने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा है? नहीं जी। हाँ, मार्केट जो रेट है ना, सरकार रेट पर भी माल अच्छी डील करते हैं, सामान मिलता है शाम तक जो खरीदे। तो यहाँ मतलब इस स्टॉल के ऊपर जो चीज़ भी मिलती है वो बराबर मिलती है, यहाँ आपके लिए कोई मसला नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं, कोई धोखा नहीं। अच्छा, वजन वगैरह क्या होता है? वजन आमतौर पूरा होता है। आमतौर पूरा होता है जी। चलो करके देखते हैं यहाँ भी। हाल है, ये किलो का पैकेट है, एक किलो का पैकेट जो है ये अनाज देखा जा सकता है इस वक्त इसका वजन 1 किलो से ज़्यादा है, 1 किलो और 15 ग्राम है। ये बेसन की क्या पोजीशन है? बेसन जो है इसका वजन भी 1 किलो और 15 ग्राम, यानी 15 ग्राम यहाँ जायद इस वक्त है। दाल को देखा जाए तो ये भी नाजी देखे जा सकते हैं इस वक्त 1 किलो से 15 ग्राम ये ज़्यादा है। तो इस दाल के बारे में ये कहा जा रहा है, यहाँ मुख्तलिफ लोगों से भी हमारी गुफ्तगू हुई, उनका यही कहना था कि इस दाल पर ना सिर्फ अच्छी अशिया फरोख्त की जा रही है रमज़ान बाज़ार में, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ वज़न जो है वो भी पूरा दिया जा रहा है। और ये देखा भी जा सकता है कि 1 किलो के यहाँ आपसे अमाउंट ली जाती है और आपका वज़न जो है वो 1 किलो से तकरीबन 15 ग्राम ज़्यादा होता है।